किसानों पर हुए हमले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके सभी लोग जो है इस मौके पर वहां पर जाकर किसानों की हालचाल और उनकी खैरियत देना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनको जो है जाने नहीं दिया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस ने उनको जो है और वो धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद पुलिस ने उनको जो है वहाँ से धरना स्थल इको गार्डन लेके आया और वहाँ पर जमकर नारेबाजी सरकार विरोधी लगाए गए। और इस मौके पर वहाँ पर पहले से ही मौजूद प्रोफेसर रामगोपाल वर्मा, जिस तरह हालात बन गए हैं उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर, उसके बारे में आपकी पहले क्या राय है? देखिए, जब गवर्नमेंट पूरी तरह से तानाशाही रवैया अख्तियार कर लेती है तो इसी तरह की दुखद घटनाएं होती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के इशारे पर जो उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, चाहे जो करें। जब मुख्यमंत्री ये कहे ठोंक दो, तो यहाँ भी किसानों को उन्होंने ठोंक दिया। किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, देख लेना, चाहे जो हम लोग करते रहें, लेकिन हत्या करने वाला कोई आदमी दंडित नहीं होगा इस सरकार में। ये इतनी तानाशाह, इतनी उद्दंड, इतना मनमाने तरीके से काम करने वाली सरकार है। इसलिए समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि जो मरे हैं किसान और पत्रकार, उनके परिवारजनों को 2-2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनके बारिश को नौकरी दी जाए, और जो लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने हत्याएं की हैं उनको, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम करके उन्हें जेल भेज दिया। समाजवादी पार्टी उन लोगों के प्रति क्या क्या मतलब घोषणाएं करते हैं और क्या क्या किस तरह की मदद करेंगे? वो तो हमारे अध्यक्ष तय करेंगे, उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। सर, दूसरी चीज़ है कि और जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक AIR 1830 में ये कहा गया कि भारत जो है वो जनतंत्र के नाम पे नखलिस्तान है, क्या लगता है आपको ये बात, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो सही है जो जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा ये मुझे जानकारी, जब तक जानकारी नहीं तब तक मैं नहीं कह सकता हूँ। कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा अनटिल अनलेस आई पर्सनली एम कन्विंस्ड।